ये वाला है कुछ कमाया है जिंदगी में तो यही कमाया है भाई। दिख रहा है आप लोगों को बाइक बजा के बताना। हाँ एकदम। चलो बात है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस फिर से एक न्यू ब्लॉग लेके आ गया आप लोगों के सामने। और आज का ब्लॉग मेरा जिंदगी का अभी का मतलब जो बाइक कम्युनिटी में आया, जिस दिन से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया उसी दिन से, या उससे पहले से चैनल स्टार्ट नहीं किया उसी से पहले से मुझे एक सपना था, एक ड्रीम था, सबसे बड़ा ड्रीम, वो वाला ड्रीम आज कंप्लीट होने जा रहा है। क्योंकि मैं सबसे बड़ा बाइक कम्युनिटी में जितना भी है, जितना ब्लॉगर है, जितना यूट्यूबर है, आयुष वर्मा सर को बहुत पसंद करता हूँ, बहुत, इतना ज़्यादा मैं उसका, उतना बड़ा मैं उसका फ़ैन हूँ बता नहीं सकता। और आज मेरा सबसे बड़ा ये वाला ड्रीम कंप्लीट होने जा रहा है, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ करोलबाग में आयुष वर्मा से मिलने। फर्स्ट टाइम मैं लखनऊ जाने वाला था, टिकट करवाया था जो ईद का बाद लखनऊ जाके आयुष वर्मा से मिलूँ। फिर उन लोगों से बात हुआ, कुछ फ्रेंड्स लोगों से बात हुआ कि वो लोग दिल्ली आ रहा है, और दिल्ली आ गया कल, अभी आज आ रहा है करोलबाग में, करोलबाग में जाके मिलेंगे। और ये मेरा सबसे आज का पूरा यूट्यूब में सबसे आज का स्पेशल ब्लॉग है सबसे, क्योंकि पहली बार मैं मिलने जा रहा हूँ आयुष वर्मा से। इससे पहले कलकत्ता जब आया था उस बार नहीं मिल पाया मैंने, और आज मैं जा रहा हूँ, इतना खुश हूँ आप लोगों को बता नहीं सकता। मेरा मुँह में, मैं बात करते टाइम पता चल रहा है आप लोगों को मुस्कान देख के मैं कितना खुश हूँ, कितना खुश हूँ। सो चलो चलते वहीं पे करोलबाग में जाके आयुष वर्मा से मिलते हैं, और आप लोगों को भाई मिला देते हैं सबसे जो भी है। और वर्सटाइल्स जो है एक बंदा है भाई, इतना अच्छा बंदा है, इतना अच्छा फ्रेंडली, इतना अच्छा सब कुछ बात कर रहा है, इतना अच्छा सब कुछ बोल रहा है मेरे को, बात किया और भी बहुत सारे कुछ, मेरा डिटेल्स वगैरह देखा जाना, और अच्छा अच्छा सजेशन वगैरह दिया मेरे को। मैं भी उसका इतना बड़ा मतलब बात करके उसका फ़ैन हो गया, यही मैं बोलना चाहता हूँ। उन लोगों से मिल के आज आप लोगों को भी मुलाकात करवाएंगे वीडियो में, और आज का ब्लॉग चलते करोलबाग में आ रहे हैं वो लोग, और आके मिल लेते हैं वहीं पे जाके करोलबाग में, आप लोगों से फिर मिलते हैं। तो गाइस चलो देखो यहीं पे खड़े हैं आयुष भैया की बाइक, दिख रहा है आप लोगों को भैया की गाड़ी खड़ी है। यहाँ पर एक ट्रेनर भी खड़ा है, और बाकी वर्सटाइल बाइक का हेलमेट पूरा ठीक हो गया, यहीं पर खड़ा है एकदम, देख सकते हो सब लद्दाख के लिए आ रहा है, लद्दाख ट्रिप के लिए। और एक 900 भी है, अभी तो सारे यहीं निकलेंगे दिल्ली से, कल सुबह निकल जाएंगे लद्दाख के लिए। और आज मिल गया मैंने आके एकदम से, देख पा रहे बिल्कुल भी अलग ही है ये, तो HP 4 एकदम बेस्ट मोटर इंजन है, एकदम खतरनाक वाला सीन है, ये को क्या बोले, अलग ही चीज़ है। तो चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फाइनली हम आ चुके हैं करोलबाग में, और अभी देखो साथ में कौन है, आयुष भैया से मिल लिया। मेरा एक सपना था, ड्रीम था, मिलने वाला था, टिकट कटवा लिया मैंने। हाँ भाई अगले ने टिकट कटवा लिया, और उसके बाद मेरे को फोटो भेज रहा कि भैया भाई फिटिंग कर दो, थोड़ा तो बना दो पहले, उसका तो बना दे। तो मैंने फाइनली मिल लिया भैया से, बोलना बंद हो गया। मेरा ड्रीम था बचपन से, जब आरएस लिया उस टाइम से मैं वीडियो देख के मैं भी वैसे वैसे ड्रैग ही रेस बना रहा था पहले, फिर उसका बाद फिर भाई जब आया उसके बाद ब्लॉग नॉर्मली बनाना शुरू किया, स्टार्ट किया। फिर जब दिल्ली में हूँ तो बात कर किया भैया से, वर्सटाइल से भी बात किया, बात करके पूछा कि लद्दाख जा रहे हो आप, दिल्ली आ रहे हो, उसके वजह से मैंने भी टिकट कैंसिल कर दिया आपसे मिलने के लिए। कल वह भी आ चुके और फाइनली मिल ही लिया आपसे, इतना अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। क्या भाई यही यही प्यार है भाई, बस ये वाला है, कुछ कमाया जिंदगी में तो यही कमाया है। अब जो एक बात बोलना चाहता हूँ, शुभनील भैया का अगर कुछ बोलना चाहता हूँ उसका कुछ लेके यहीं पे बोल दो, सारे ब्लॉग दिखते हैं। अच्छा शुभनील भाई, अरे यार इस बार गए थे मिले थे हम लोग साथ में राइड किए, अब तो डुकाटी आ गई भाई, अब चलते हैं इस बार बिफोर एस ले ली भाई, अब तो शुभनील भाई की बिफोर एस उठाएंगे हम हमें एकदम। अगले बार जाओगे तो उसका सारे दो दो नोवा रखा है टेनर, फिर बिफोर एस भी रखा है, सही है भाई सही है, दोनों के दोनों का। लास्ट मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें से भैया ने इतना हेल्प किया, पीछे आया गाड़ी उठाया, साइड किया पुलिस वालों से, पूरा सब कुछ एकदम से अच्छे तरीके से पूरा एक सब कुछ सही है यार। तो ये वाला हो गया, बात करके क्या बोलूं, मेरा दिल खुश हो गया। अरे बिल्कुल यार, कभी भी कोई भी कांटेक्ट करता मैं बात करता हूं, कभी मेरा भी ड्रीम था ऐसे, कभी ढूंढते रहते थे हम भी यूट्यूबर्स को आज के टाइम में, भाई कोई भी रीच आउट करता हम रिप्लाई करते हैं। तो चलो आप लोग वीडियो में बने रहो, घर जाके फिर थोड़ा बात करके ब्लॉग एंड करते हैं। Thank you.
गए, चलो भैया भाई कर दो चलते। हेलो चलते हाँ एकदम चलो बाय बाय। गाइस देख लो हम लोग हमें वापस आ गए अभी पहाड़गंज पे, जो पहाड़गंज का एक चौराही है देख पा रहे हो चौराहे पे, वहीं पे एक KFC खुला है, वहीं पे KFC में भी आके बैठ गया। अभी थोड़ा ठंडा है सर, इसलिए कुछ काफ़ी खा लेता हूँ घर चला जाता हूँ। आप लोगों ने देखा वहाँ आयुष भाई और बाकी सब लोगों ने मिल के घर की तरफ चला गया, कार से बाय बाय करके चला गया। तो वो लोग तो गए, कल सुबह निकल जाएंगे लद्दाख के लिए ट्रिप पे। जो बाइक सारे थे दिखा दिया आप लोगों को मैंने, अभी मैं यहाँ पे आ गया, यहीं पे पास में ही है बिल्कुल, यहीं से पैदल चला जाऊँगा पूरा। यहीं पे एक KFC देखा तो मैंने, आज इससे पहले कभी नहीं देखा यहाँ पे पहाड़गंज पे, तो आज देखा एक KFC तो यहाँ पे आ गया। थोड़ा कुछ खा लेता हूँ इसे देख के फिर घर चला जाऊँगा सीधा। तो ये ब्लॉग और ज़्यादा लंबा नहीं करना है, ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय।